असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सर्दियों के हवाले से जो डिश बनानी सिखा रही हूँ वो है सिरों की शोरबा। सिरों का शोरबा फिश से मिलते हैं, ये उनका शोरबा हमने आज बनाना है। बहुत ही मज़ेदार इसका सालन बनता है। उसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, ये मैंने सिरे ले लिए हैं, ये 3 फिश के सिरे हैं, साथ ये फिश मछली भी साथ ही है, इसके जो इसके साइड वाले होते हैं वो भी साथ में। इसका आज हम सालन बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। उसके लिए जिन अज़ा की ज़रूरत है, मैंने 1/2 कप घी ले लिया है, 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 1 मैंने प्याज लेके उसको स्लाइस में काट लिया है, 1 अदद लहसुन मैंने उसके जब्बे सारे छील लिए, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें, 1/2 गड्डी हरे धनिए की लिए है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 7 बड़ी इलायची और 6 से 8 लौंगे हैं मैंने लिए। आज हम बनाते हैं इसका सालन बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। ये खमीरी रोटियों के साथ, तड़के वाले चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको देखते हैं किस तरह बनता है। कढ़ाई में मैंने प्याज और लहसुन मैंने इसमें शामिल किए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, और इसमें घी शामिल करेंगे, प्याज जब ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसको निकाल के इसको ब्लेंडर के अंदर हम ब्लेंड कर लेंगे प्याज को। जब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह ये प्याज ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना प्याज को और ना ज़्यादा लाइट रखना है, बिल्कुल मीडियम में इसको हमने ब्राउन करना है, बिल्कुल मीडियम ब्राउन हो, बिल्कुल ज़्यादा काला नहीं करना प्याज को, इस तरह का हमने लाइट ब्राउन रखना है। अब हम इसको प्याज को निकाल कर ब्लेंड कर लेते हैं। फिश के सिरों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमने अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बनाएं और मुझे कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। आप लोगों के ताबून के साथ आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोगों के ताबून के साथ, आप लोग मेरे साथ ताबून कर रहे हैं और मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं। जो सिरे और जो फिश के कांटे ये देखें हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें ब्लेंड किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, जो मैंने प्याज का और लहसुन का रखा था, ये इसको मैंने ब्लेंड करके इसमें डाल दिया। अब मैं टमाटरों को भी ब्लेंड करूंगी और टमाटरों का भी पेस्ट ब्लेंड करके डालूंगी। हमने लहसुन का और प्याज का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर, अब हम इसमें टमाटरों का भी पेस्ट शामिल करेंगे। ये टमाटर 2 अदद रखे थे मैंने, इसका भी मैंने, इसको भी मैंने ब्लेंड में डाला है और ब्लेंड करके इसकी मैंने प्यूरी डाल दी है इसमें। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया मैंने, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से भून जाए और हमारे जो ये सिरे बना रहे हैं हम इसके शोरबे, ये अच्छे तरीके से मसाला भून जाए। हम इसको ढक देंगे। ये देखें 10 मिनट हो गए और कितना ज़बरदस्त कलर आया, ये देखें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं ये। गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे
और फिर इसके अंदर हसबे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। जितना हमने इसका सालन बनाना है, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, हम उतना ही इसका इसमें पानी शामिल करेंगे। सालन ने छोड़ दिए, अब हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर जो हमने रखा था, और हम इसमें हाफ कप मैंने पानी का शामिल करना है, मैंने ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। अब इसमें मैं साइड से बिस्मिल्लाह हाफ कप मैं इसमें पानी शामिल, ये बस मैंने इतना ही पानी शामिल करना है। इसको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर मैं इसको डिश ओवर करूंगी। देखिए हमारा सालन रेडी है, अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी और इसको मैं डिश ओवर करूँगी। हर किस्म का ये सिरों का सालन तैयार है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।